ये करने का मेरा बहुत समय से मन था। गाइज वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम अभिषेक है। जो लोग मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, हालांकि ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बट जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ, आई एम अ ट्रैवल एंड एन एविएशन फोटोग्राफर, एविएशन फिल्म मेकर, एविएशन कॉन्टेंट क्रिएटर। आई ऑल्सो मेक लॉट ऑफ ट्रैवल फिल्म्स। आई एम अ फोटोग्राफी एंड अ फिल्म मेकिंग, यू कैन से एन एजुकेटर। सो मैंने काफ़ी इमेजिंग ब्रांड्स के लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स करी हैं, बहुत सारे फोटोग्राफी एक्सपेडिशंस करे हैं, और लाइव सेशंस अब कर रहे हैं क्योंकि पेंडेमिक है, तो आई एम डूइंग लॉट ऑफ लाइव सेशंस विद लॉट ऑफ इमेजिंग ब्रांड्स एंड इमेज एक्सेसरी, जो कैमरा एक्सेसरी ब्रांड्स होते हैं इनके लिए। सो मैं अपनी तारीफ क्या करूँ, आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं aviationworld.net, उस पर मेरे बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे मेरा कुछ सीरियस काम भी देख सकते हैं एविएशन रिलेटेड। ट्रैवल रिलेटेड काम मैं मोस्टली अपने इंस्टाग्राम हैंडल, पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल i.m.abhishek पे डालता हूँ। मेरे दो इंस्टाग्राम हैंडल हैं i.m.abhishek और एक एविएशन वॉल। एविएशन वॉल जैसे कि नाम सजेस्ट करता है वो एविएशन सेंट्रिक है, और एविएशन वॉल से ही नाम से ही मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जो कि ठीक ठाक चल रहा है। जब भी मुझे मौका मिलता है कुछ एविएशन शूट करने का, एविएशन कंटेंट बनाने का, मैं उस चैनल पे ज़रूर पोस्ट करता हूँ, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। इस वक्त मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं, और मुझे नहीं पता जो प्रोफेशनल यूट्यूबर होते हैं वो कैमरा इस तरह पकड़ के कितनी देर बात कर सकते हैं। मैं तो अभी से ही थक रहा हूँ, मैं फटाफट फ्रेश होता हूँ फिर आराम से बैठ के बात करें। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बीच बीच में कुछ हिंट दिए थे कि ये जो चैनल है द हाउस ऑफ कैमरा, ये कुछ ड्रामेटिक चेंजेस के थ्रू जाने वाला है, और आज वो दिन आ गया है जब मैं डिस्क्लोज़ करूँ कि क्या क्या चेंजेस इस चैनल पे होने वाले हैं। सो जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से ये पैंडेमिक हुआ है, आई बिलीव पूरी दुनिया ने सफ़र किया है, हम सब ने इंडिविजुअली कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक ने हम सबको इंडिविजुअली इफ़ेक्ट किया है, हमारे काम को इफ़ेक्ट किया है, हमारी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट किया है, पर्सनली प्रोफेशनली हर तरीके से इम्पैक्ट इस पेंडेमिक ने हमारे ऊपर डाला है। एंड आई एम श्योर आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरे जो भी सेलेक्टेड सब्सक्राइबर हैं 8,500 के करीब इस टाइम पे, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ना ही मैं इंटेंट करता हूँ कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में कंसिस्टेंट नहीं रहा, और ये कहा जाता है थ्रू यूट्यूब गुरुज एंड जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब इफ़ यू वांट टू मेक इट फुल टाइम। नाउ फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, अभी तक यूट्यूब को फुल टाइम बनाने की मेरी नौबत नहीं आई, क्योंकि मेरे पास और भी सारे काम होते हैं जिनको मेरे को आप असाइनमेंट्स कह लें, कुछ प्रोडक्शन का काम कह लें, एडिटिंग का काम कह लें, कॉन्टेंट क्रिएशन फॉर वेरियस ब्रांड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कह लें। तो इस पेंडेमिक में मैं थोड़ा सा लकी रहा हूँ कि मुझे वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ेक्ट तो हुआ, पर इतना नहीं हुआ कि गाड़ी रुक जाए। सो आई वॉज बिट फॉर्चुनेट इन दैट मैनर, और इसके लिए आई रियली थैंक गॉड कि मैं उस लेवल पे हूँ कि मुझे उतना इफ़ेक्ट नहीं किया अभी तक। एंड आई एम श्योर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको बहुत बुरी तरह उसने इफ़ेक्ट किया है, चाहे वो किसी भी तरीके का कंटेंट बना रहे हों, चाहे वो वेडिंग फोटोग्राफर्स हों, चाहे वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हों, खासकर जो जिनका जो कंटेंट है वो यूट्यूब पर डिस्पोज नहीं होता है, एंड मोस्टली दे शूट फॉर क्लाइंट्स और कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सो अभी इस पेंडेमिक की अगर बात की जाए, तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक मैंने काफ़ी कॉन्टेंट एब्जॉर्ब किया OTT का, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यू नो दिस काइंड ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा आई स्पेंड सम टाइम, आई यूज टू स्पेंड गुड 1 hour एटलीस्ट वाइल आई वॉज ऑन माई ट्रेडमिल टू वॉच सर्टन यूट्यूब चैनल्स। और मैं जब ये कुछ यूट्यूब चैनल्स देख रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यू नो पेंडेमिक की वजह से जो भी इफ़ेक्ट हुआ लाइफ पे, ये मेरे ख्याल से होपफुली इस दुनिया का पहला और लास्ट
ट्रैजिक इंसिडेंट होना चाहिए इतना बड़ा, होपफुली, जो कि हमें सबको पता है आगे चल के कभी ना कभी कुछ ना कुछ निकल के आ सकता है, बट आप सिर्फ होप फॉर द बेस्ट ही कर सकते हैं। और मुझे लगा कि यू नो व्हेन आई वाज वाचिंग लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स, खासकर वो लाइफस्टाइल वाले जो चैनल्स होते हैं जिसमें लोग अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल कॉन्टेंट क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स। तो व्हेन आई वाज वाचिंग देयर चैनल आई रियलाइज, कुछ एक दो वीडियोस में मैंने उनके बच्चे भी देखे साथ में, जो कि कंटेंट का पार्ट होते हैं, दे डोंट यूज़ देयर किड्स टू क्रिएट कंटेंट, बट हाँ बड़े सटल वे में वो अपनी फैमिली को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। कई ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे है ना, एंटरटेनिंग चैनल्स हैं जहाँ पे लोग अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं एंड पीपल आर वॉचिंग दोज चैनल्स। मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा चैनल चालू करना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट मेरा इंटेंशन इस तरीके का कंटेंट बनाने का सिर्फ एक था। जब भी मैं उनके वीडियोस देखता था, मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये क्या ज़बरदस्त तरीका है अपनी पूरी लाइफ को डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब पर डाल देने का। और कल को आई हैव अ सन, 8-year-old boy जो अभी रिसेंटली 8 साल का हुआ है, तो मुझे लगा कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये टू रिकॉर्ड आवर लाइफ एंड आगे चल के, ताकि हमारे बच्चे जब हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, जब मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में, दे कैन एक्चुअली इन्जॉय कि उनके फादर किस टाइप के थे, क्या पसंद करते थे, क्या लाइक करते थे एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग, एज अ सोल। क्योंकि कई बार इस पेंडेमिक में मैंने पुराना अपना डेटा खंगालने की कोशिश करी, एंड ट्रस्ट मी, जो डिजिटल कॉन्टेंट है वो जितना इंटरेस्टिंग होता है बनाने में, उतना ही जल्दी वैनिश भी हो जाता है। आपकी एक हार्ड ड्राइव क्रैश करी और आपका पुराना डेटा ख़त्म एकदम से। और मुझे इसलिए, आई हैव अ वेरी गुड हैबिट ऑफ प्रिंटिंग गुड फोटोग्राफ्स, फैमिली फ़ोटोग्राफ्स की अगर बात करें तो मैं प्रिंट करके रख लेता हूँ। बट जहाँ तक वीडियोज़ का सवाल है, आप उनको प्रिंट करके नहीं रख सकते। और आप कितनी कॉपीज़ बनाएंगे, यहाँ पे मेरे पास सोनी की 6 TB हार्ड ड्राइव, 8 TB हार्ड ड्राइव रेड, 4 TB लासी की, कितनी हार्ड ड्राइव्स आप रखेंगे? क्लाउड स्टोरेज पे भी इट्स नॉट वेरी सस्ता, इट्स एक्सपेंसिव क्लाउड स्टोरेज, 36 या 40 हज़ार रुपये का आपको इतना, मतलब जो भी साल का सब्सक्रिप्शन है, इट्स नॉट लाइक वायबल। बट आई थॉट यूट्यूब कैन बी अ गुड प्लेटफॉर्म टू डॉक्यूमेंट योर लाइफ, द थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू शेयर विद योर यू नो लव्ड वंस व्हेन यू आर गॉन। मुझे इस तरीके का फीलिंग आया कि ये करना चाहिए, नॉट फॉर अदर्स कि लोग आएँ और देखें और सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं और यू नो चैनल मैसिवली ग्रो करें। अगर यू नो पीपल लाइक यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो आर इंटरेस्टेड इन माई लाइफ एंड नोइंग वट डू आई डू फॉर लिविंग, हाउ आई डू इट, वट इज़ माई डेली रूटीन, कुछ जो कि इतना खास नहीं है, बट आई ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितने भी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब के देखे लाइफ स्टाइल रिलेटेड, मुझे ये रियलाइज़ हुआ हर किसी की लाइफ इंटरेस्टिंग है यार। मतलब अगर देखा जाए तो सबकी लाइफ इंटरेस्टिंग है, इट्स जो मैटर करता है वो है आपको बस रिकॉर्ड बटन हिट करना है, और जैसे ही वो लाइफ कैमरे पे आती है और आपने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, तो एक वो स्टोरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। एट टाइम्स डेज आर बोरिंग, एट टाइम्स डेज आर एक्साइटिंग। तो मुझे लगा क्यों ना ऐसा कुछ क्रिएट किया जाए फॉर माई फैमिली, स्पेशली फॉर माई सन, ताकि जो चीज़ें जब वो बड़ा हो जाएगा, फादर सन का रिलेशन होता ही ऐसा है, यू नो ये जनरेशन से चलता आ रहा है। आजकल की जनरेशन के जो पापा लोग होते हैं, जैसे हमारी जनरेशन के, वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं बच्चों से, ये मैंने देखा है सभी के, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी। बट इवेंचुअली काफ़ी चीज़ें फादर और सन के बीच में ऐसी होती हैं जो आपस में यू नो इतनी फ्रीली शेयर नहीं कर सकते। मैं अपने बेटे को ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्या करता था, मैं क्यों करता था, मैं कैसे करता था, बीट फोटोग्राफी, बीट फिल्म मेकिंग, बीट इवन गोइंग टू अ मॉल बाइंग समथिंग फॉर हिम, अ टॉय और अ बैग और स्टेशनरी आइटम्स। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं चला जाऊँगा इस दुनिया से, तो उसको ये जो वीडियोज़ हैं ये काफ़ी वो शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और काफ़ी मेरी मेमोरीज उसके पास रहेंगी इन द फॉर्म ऑफ दीज वीडियोज़। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस चैनल को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया जाए और इस तरीके का कंटेंट क्रिएट किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम एजुकेशनल या इंफॉर्मेटिव या फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग इस तरीके का कंटेंट नहीं क्रिएट करने वाले। मैं बिल्कुल अपने इन वीडियोस का पार्ट बनाऊंगा इन्फॉर्मेशन को, हर समय नहीं बट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल वीडियोस, ये भी इस तरीके का कंटेंट भी फ्लोट होता रहेगा,
टाइम एंड अगेन जैसे नीड ऑफ दी आर ओ, बट जिस तरीके की वीडियोस आपने ट्रैवल फोटोग्राफी कोर्स अगर नहीं देखा है प्लेलिस्ट में, तो ट्रैवल फोटोग्राफी कोर्स के जो 8 एपिसोड्स मैंने क्रिएट किए थे, मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी उसके ऊपर, मेरा सारा एक्सपीरियंस मैंने उसमें निचोड़ के डाला हुआ था। बट ऐसे वीडियोस क्रिएट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत प्लानिंग लगती है, और ट्रस्ट मी आई एम नॉट एन एक्टर। जब इस तरीके की वीडियोस आप बनाते हैं तो यू हैव टू लुक बिट फॉर्मल, आप कैजुअल नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक सीरियस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जिससे कई लोगों को कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअल पंती जिसको बोलते हैं वो नहीं डाल सकते। तो आई थॉट कि अब टाइम आ गया है थोड़ा सा चैनल को ट्विस्ट देने का, थोड़ा उसमें अपनापन लाने का, जो एक्चुअली में मैं हूँ, मैं आपसे खुल के बात कर सकता हूँ, आप भी खुल के कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखना पसंद है या नहीं है, जो भी आप लिखना चाहें। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू साउंड वेरी सेल्फिश, ये जो कंटेंट आज के बाद मैं डालने वाला हूँ इस चैनल पे, ये मैं अपने लिए डालने वाला हूँ, अपनी फैमिली के लिए डालने वाला हूँ। अगर आप उस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम एज अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर कई लोग इसके साथ जुड़ेंगे। अभी तो चैनल बहुत छोटा है, बट जैसे जैसे लोग इसके साथ जुड़ते जाएंगे, आप सभी मेरी फैमिली का पार्ट बनते जाएंगे, एंड इवेंचुअली शायद आपको भी मज़ा आए मेरी जर्नी देखने में, और थोड़ा बहुत आप भी इंस्पायर हो जाएं, और अगर आप मुझे इंस्पायर करना चाहते हैं तो आप भी कुछ कमेंट छोड़िए। तो आज के बाद आप इस चैनल पे जो देखेंगे वो देखेंगे अभिषेक सिंह एज अ फोटोग्राफर, अभिषेक सिंह एज अ फिल्म मेकर, अभिषेक सिंह एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, अभिषेक सिंह एज अ फादर, अभिषेक सिंह एज अ हस्बैंड। ग्रेजुअली मे बी चैनल में आगे चल के मैं अपनी फैमिली से भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा अभिषेक सिंह दिन भर में करता है क्या। हालांकि अभिषेक सिंह इज़ नॉट अ वेरी बिग पर्सनैलिटी, बट एज आई सेड आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, ताकि मैं अच्छे से इस लाइफ को डॉक्यूमेंट, जो बची हुई लाइफ है उसको डॉक्यूमेंट कर सकूँ। बिकॉज ये पेंडेमिक ने मुझे तो भाई बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं, और मेरे नेटवर्क में जो लोग मेरे उम्र के थे, इनफैक्ट मेरे से कम उम्र के भी कुछ लोग मैंने पेंडेमिक में जाते हुए देखे हैं इस दुनिया से। सो आई हैव रियलाइज लाइफ बहुत छोटी है और इसको डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए, स्पेशली जब मैं एक फोटोग्राफर और फिल्म मेकर और कॉन्टेंट क्रिएटर होने के बावजूद भी ये काम नहीं करूँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ऐसी स्किल्स का, राइट। तो सबसे पहले मुझे अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करनी है, अपनी फैमिली की लाइफ डॉक्यूमेंट करनी है, और आई माइट साउंड बिट सेल्फिश हियर, बट एज आई सेड इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल वीडियोस, वो सब मैं इस चैनल पे बनाता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा टाइम एंड अगेन जैसे भी मुझे मौका मिलेगा। फोटोग्राफी जो है वो बाहर सीखने वाली चीज़ है, घर के अंदर सीखने वाली चीज़ नहीं है, तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा कि जितना बाहर निकल सकूँ, क्योंकि अब थोड़ी सी चीज़ें ईज डाउन हो रही हैं, लेट्स सी कितना ईज डाउन होता है ये पूरा माहौल। तो बाहर निकल के ऑन फील्ड जितने आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ देने की कोशिश करूँगा, और प्लीज़ आप लोग बने रहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ एक्साइटिंग लेके। अभी मैंने ना ड्राफ्ट भी बनाना चालू नहीं किया है, मैं कुछ बनाना नहीं, मैं बस कैमरा उठा के रिकॉर्ड बटन दबाना चाहता हूँ, और जो भी स्पॉन्टेनियसली चीज़ें होती जाएंगी वो आपसे शेयर करते जाएंगे। सो देर इज़ नो प्लान, देर इज़ नो स्क्रिप्ट, देर इज़ नो नरेशन, देर इज़ नो स्टोरी बोर्ड, नथिंग। देखते हैं कितना फ्रीक्वेंटली मैं कॉन्टेंट डाल सकता हूँ, कोशिश पूरी करूँगा कि हफ्ते में 2 वीडियोज़ तो एटलीस्ट डालूँ, एंड ग्रेजुअली अगर मेरे पास टाइम होगा तो 3 वीडियोज़ भी डालने की कोशिश करूँगा। कुछ कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी, बट आई ट्राई माई बेस्ट, दैट्स ऑल आई कैन डू। सो थैंक यू वेरी मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ। Thank you.